Assalamualaikum. Hi everyone, welcome to our channel The Family Cooking. आज हम बनाने वाले हैं पॉम्फ्रेट एंड रहू फिश फ्राई. चलिए शुरू करते हैं. रहू मछली के हमने स्लाइसेस कर लिए हैं ऑलरेडी, और जो बड़ी वाली मछली है जो है पॉम्फ्रेट फिश, उसकी हमने सर अलहदा कर दिया है ताकि हमें कुछ आसानी हो फिश को फ्राई करने के लिए. तो मसालों के लिए अदरक लहसुन का पेस्ट करीब मैंने 2 टेबलस्पून लिया है. फ्राई के मसाले के लिए 3 टीस्पून ऑफ रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून ऑफ ब्लैक पेपर पाउडर, टीस्पून ऑफ धनिया पाउडर, 1 big teaspoon of shazira and 1/2 teaspoon of haldi. आप इस मसाले को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं अगर आप स्पाइसी नहीं खाते हो. लेमन जूस मैंने 2 नींबू को अच्छी सी स्क्वीज करके इसका जूस निकाल लिया है, और 3 टेबलस्पून ऑफ कॉर्नफ्लावर. सॉल्ट, नमक आप अपने जायके के हिसाब से डालें. मैंने करीब 1.5 टीस्पून लिया है. इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ा सा पानी भी ऐड करेंगे ताकि एक स्मूथ पेस्ट बन जाए. वन टीस्पून ऑफ ऑयल, 1/4 टीस्पून. जो हमारा मसाला है फिश फ्राई का वो रेडी है. अब हम इसे फिश में लगा के इसे मैरिनेट करेंगे. इसे 3 आवर्स के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे. रहू फिश जो स्लाइसेस हैं, अब हम इसे मसाला लगा लेंगे और इसे भी करीब 3 आवर्स के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे. रहू फिश को फ्राई कर लेंगे. तो ये देखिए फिश फ्राई हो चुकी है एक साइड पे. अब हम इसे टर्न करके इसे भी फ्राई कर लेंगे. रहू फिश रेडी है. मैंने इसे प्याज और कोरिएंडर से गार्निश किया है. रेडी टू सर्व है. फिश फ्राई रेडी है. अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग. अल्लाह हाफिज़.